अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहली बार जिंदगी में मैं व्लॉग में गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ, क्योंकि सुबह के 8:50 बज रहे हैं और आपका भाई उठ गया है। मैं नहीं मानता, अर्ली राइजर्स, पता नहीं अर्ली शाइन अर्ली व्हाट बोल गया पता नहीं जो भी था। अभी अभी क्वेटा चाय से होकर आया हो, जल्दी जल्दी से ये पकड़ लिया फॉर माय नाश्ता। पराठा भी पकड़ सकता था लेकिन वो हाथ मात बहुत से गंदा कर देता है, फिर मुझे मजा नहीं आता। जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं, कासिम भाई के साथ ऑलरेडी बात की है, वहाँ सर्विस वगैरह कराते हैं और गाड़ी की पॉलिशिंग वॉलिशिंग भी करते हैं। लेट्स गेट देयर एज सून एज पॉसिबल एंड गेट एवरीथिंग डन, क्योंकि फिर वहां से हमने जाना है टूवर्ड्स टायर्स एक्सेट्रा। लेट्स गो। एग्जैक्टली 9 AM का वादा किया था कि मैं आऊंगा और एग्जैक्टली 9 AM ही है, तो फर्स्ट बार कहीं जल्दी टाइम से पहुंच चुका हूँ। एक तो वॉश करेंगे, सर्विस करेंगे, उसके अलावा पता नहीं क्या करेंगे। लेट्स सी, गाड़ी सर्विस के लिए खड़ी हो गई एक तो गंदी है, ऊपर से स्टेप नहीं देखा यार। गाड़ी के साथ मैं भी मलंग हो गया, ये देखो यहाँ पॉलिशिंग वॉलिशिंग के लिए दे दिए जूते, वो भी पॉलिश हो रहे हैं, गाड़ी भी साफ हो रही है, चमकीले जाते हैं चौपर माशाल्लाह। गाड़ी अभी भी चल रही है, इन द प्रोसेस है, उसके बाद अंदर जाएगी और वहाँ फिर कासिम भाई मैजिक करेगा खूबसूरत फिटमेंट के साथ। K70 तो गई ऑटो शो की तरफ। यहाँ इधर कासिम भाई के साथ ही एक टायर्स वाला है, उसके साथ एक योकोहामा वाला टायर मिल गया हमारे प्रोफाइल में ही, बड़ा कंडीशन में भी ज़बरदस्त है, ना कोई एक पंक्चर ही है और हमारा प्रोफाइल ही है, 18 मॉडल है, तो शायद हम यही लगवा लें इधर ही ताकि हमारे दोनों काम इधर ही हो जाए। वो तब तक उधर पॉलिश वगैरह होगा और ये हम लगा देंगे टायर में। टायर्स की डील डन हो गई, ये टायर वाला, ये टायर निकलेगा और वो जो यूज़ में है लेकिन मुझे पसंद आ गया वो टायर, तो इसलिए मैं शोभा बाजार के लिए इंतज़ार नहीं करूँगा, डायरेक्ट डॉट्स कॉलेज जाऊँगा यहाँ से ही। इसमें अब नया योकोहामा वाला टायर लगेगा जो उधर हम मैंने आप लोगों को दिखाया। इस पर भी हमारा काम हो गया शुरू, इंशाल्लाह ये कंप्लीट होते ही दोबारा ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक गाड़ी है, वहाँ तक जाऊँगा, ज़रा दूर जगह है। बाय द वे, मैंने पूरी फोकस के साथ गाड़ी को देखा तो मुझे इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी फॉर स्मॉल स्पेसेस लाइक दिस। ये तो मुझसे भूल गया था क्योंकि ऑटो शो पोस्टपोन हो गई थी। अब ये कासिम का काम है कि वो कब ये चीज़ लगाता है और कब इस पर पॉलिशिंग करता है। एक गिला आप लोगों का ख़त्म कर, एक कुछ कमेंट्स आए थे कि ये अमेरिका का फ्लैग हटाओ, तो वो हम अभी कारपोर स्टूडियो वाला परफ्यूम लगा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम था इसलिए मैंने छोड़ा था, मुझसे भूल गया था हटाना, अभी कारपोर स्टूडियो लग गया, बस गिले शिकवे ख़त्म। गाड़ी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त और चमकीली हो गई है ना, खूबसूरत माशाल्लाह शाइनी पैक्सी। ये शुक्र है कि टायर का काम भी यही हो गया, क्योंकि अगर अभी हम जाते वहाँ टायर का काम करते तो फिर लेट होना था, क्योंकि अभी 10:46 बज रहे हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं एडवर्ड्स कॉलेज। रुको जरा, सबर करो। माशाल्लाह अंदर से भी इतनी चमकीली साफ सुथरी हो गई कि क्या बताऊं। ये चेक करो, कारपोर स्टूडियो वाले मैट्स भी लग गए ताकि नीचे गंदा ना हो, और ये एसेंशियल भी मैंने वहां से ले लिया, फिर वापसी में वापस कर दूंगा क्योंकि वहां हम मम्बा नंबर प्लेट लगाएंगे। अभी एक टैक्सी वाला आ गया और उसने कहा कि आपका टायर पंक्चर है पीछे वाला। एक पुलिस वाले ने भी चेक पोस्ट में आवाज दे दी कि आपका टायर पंक्चर है। अभी आगे कोई टायर वाला ढूंढते हैं और वहां दिखाते हैं उनको क्या मसले पे मसले, वहां तो ठीक लगाया था। अरे यार क्या हालत हो गई है टायर की, यहाँ टायर पंप आए है, लेट्स सी अभी क्या होता है। यार एक साइड से लीक था, ये जब सही ये ल्यूब नहीं हो जाता ना तो फिर बस ये मसले करते हैं। अभी इसको सही तरह ये करते हैं, फिर दोबारा से फिट कराते हैं और फिर जाते हैं। अगर इसके बाद पंक्चर हो गया मेरे पक्षा टायर से भी अंदर चले जाना है इसको। शुक्र है टाइम पर पहुंच गए एटलीस्ट।
सारा रश बना हुआ है। सही है सही है। यहाँ लाइन में खड़े हो गए, गेट पर रश है। अब ये नहीं पता कि इधर कितना इंतजार करना होगा। होपफुली सब गाड़ियाँ सही सलामत पहुंचे अंदर। वही सिविक पहुंच गई वो जो ऑटो शो में थी। आए एंट्री हो गई, दो तीन दफा चेकिंग हो गई यार। मामा वगैरह का प्लेट भी लगा दिया यार। इस ड्रॉप गाड़ियों के साथ जब खड़ा करता हो तो फिर गाड़ी बहुत बदसूरत लगती है। क्या करें यार, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में से एयर सस्पेंशन लाजमी होगा। और उसके अलावा एक HSC मेंबर को भी इम्प्रेस कर दिया भाई जान, फिर नहीं मानते वो आ गए कि यार रिव करो, ये क्या कैसी आवाज़ निकली प्रियं से। फिर जो रिव्स दिए बंदा शौक हो गया। यार वो AK-47 आ गई। अब मसला ये है कि ये जो एरिया है, कैंट एरिया है वगैरह, तो कैंट एरिया वगैरह है तो इसलिए ज़्यादा रिप्स नहीं चोटते इनको, एंटीलेक्स का क्या पता। ये है वो मशीन जो कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी ट्रैक पर। रिप्स तो नहीं कर रहे बस अभी है। अरे रिम किसने छोड़ दिया? JZX फैमिली चारों एक साथ ही है। इसमें एक दो बल्कि तीन सारे वो ट्रैक पर भी आते हैं। ये वॉल क्रेजिंग वाले जो व्हील्स हैं ना, रिम्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स रोलिंग। सबसे अच्छा काम इस ग्रुप ने किया है कि फलस्तीन के झंडे लगाए हैं। माशाल्लाह ये बड़ी खतरनाक होंडा सिविक है, शायद कुछ लोग जानते हो इसको। और इसके अलावा यहाँ हमें कोरोला मिलती है E140। Beautiful cars. Then I will briefly review it. Oy, 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 yaar, kya zabardast Civic hai, mashallah. Right side pe dekho aur left side pe dekho, air suspension ki fark check karo. Mashallah. Kya khoobsurat 18s ke rims lage hue hain. Uske alawa iska jo Honda mark hai, ye bhi carbon fiber mein hai. Aur uske alawa mashallah Bugatti lights. Khoobsurat yaar. लेट्स गो टूवर्ड्स द बैक। खूबसूरत लिप लगा हुआ है। बैटमैन का जो स्टाइल ही मुझे नहीं मिल रहा यार अपनी गाड़ी के लिए। उसके अलावा पीछे से भी फाइबर के ट्रिम्स। अबे यार तंग ना करो। और उसके अलावा खूबसूरत एग्जॉस्ट और ऑफ कोर्स लाइट्स भी चेंज है, बैक से भी और आगे से भी। माशाल्लाह खूबसूरत तैयार की है, वेरी नाइस। वन मोर ऑन एयर गाड़ी हमें मिली है, होंडा सिविक रिबॉन, जिसके साथ वो नई प्रियस भी खड़ी है। वही प्रियस है जिसकी हमने रिव्यू की थी। क्रांजे के रिम्स लगे हुए है, IT18s है आई थिंक। और उसके अलावा फ्रंट पे आए तो एक खूबसूरत बॉडी किट लगा हुआ है। एंड इसके जो लाइट्स है वो स्टॉक है, सिर्फ एक कलर ही चेंज है, दैट्स ऑल। एक खूबसूरत बॉडी किट के अलावा साइड पे भी सिर्फ किट से लिप्स नहीं लगी हुई, सिर्फ पीछे वाला यूनिवर्सल एक लिप लगा हुआ है, दैट्स ऑल। पीछे लाइट्स चेंज्ड है, एज यू गाइस कैन सी खूबसूरत लाइट्स लगे हुए है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, नर्द ग्रे कलर में रेप्ड हुई है भाई जान। ये नर्द ग्रे के साथ लास्ट ऑटो शो में भी आई थी, जो DHA में हुई थी, पाकविल्स वाली। आई थिंक दिस वन और दैट होंडा आर द ओनली ऑन एयर कार्स हेयर। उसके अलावा लेट्स सी कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। फेयर लेडी खूबसूरत, कुछ निसान 350Z भी आए हैं। और ये प्रियस चेक करें, ये ड्रॉप है और मेरे वाली ड्रॉप नहीं है। इमेजिन माय कार वाज ड्रॉप। और थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, आई विल मिस नॉट टचिंग माय कार टू द ग्राउंड। उसके अलावा एक और प्रियस भी आई है, वो भी ड्रॉप है, जिसमें BBS के गोल्डन कलर में रिम्स लगे हुए है। उसके अलावा ये AK-140 है हमारे साथ, इसका ओनर उसको भी मैं जानता हूँ, बहुत बड़े खूबसूरत। बस ओनली रिम्स एंड ड्रॉप, दैट्स ऑल यू नीड इन अ कार। लुक को देखो ना, लाइट्स चेंज है ना किट्स चेंज है, बड़ी बस
सादा सा डिसेंट कॉरिडोर्स पर ड्रॉप हुई है माशाल्लाह, खूबसूरत रिम्स है। ये प्रीमियो भी अगेन सेम डिसेंट, बस ओनली ड्रॉप हो चुकी है। क्या खूबसूरत फिटमेंट हो चुका है। इसकी आवाज़ आप लोगों ने सुनी ही थोड़ी देर पहले। इस गाड़ी का गेड़ा करो। ओए होए होए होए, वन मोर यार। मैं बस इस पूरे ऑटो शो में सिर्फ ड्रॉप और अनड्रॉप की ही बात करता रहूंगा। क्या खूबसूरत गाड़ी है। इस तरफ आए तो हमें क्लासिक बिन्स मिल रहे हैं, पुराने, और बिन्स के साथ ही हमें खूबसूरत वो गैंगस्टर वाली मोटरसाइकिल्स मिल रही है एंड ऑटो बाइक्स वगैरह। नाम भी 350 हो और नंबर प्लेट भी 350 यार। यहाँ हमें K70 वाला ग्रुप मिलता है, एक ब्लू में खूबसूरत, वही जो सिग्नेचर वाले रिम्स है K70 हर एक ने लगाई होती है। ये देखो AE101 कहते हैं इसको या क्या कहते हैं, AR101। ये वाली देखो और वो वाली देखो, दोनों में लगे हुए है लेकिन इसमें सिर्फ चेंज्ड है। अरे भाई जान, इसे तो बॉडी किट कलर करना भूल गया। और सबसे आखिर में यहाँ सारा 4x4 का ग्रुप लगा हुआ है। I thought क्या वैसी सेटअप होगा, लेकिन वो तो वही D15 इसका स्टॉक इंजन है, लेकिन उसके अलावा जो मोड है, ये देखो मेरा भाई मिल गया। इसी तरह मैं भी स्टेपनी में आ जाता और काम तमाम। माशाल्लाह, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिविक हैचबैक विद व्हाट अ सेटअप यार, खूबसूरतली डिजाइंड। पीछे से भी बड़ी डिसेंटली तैयार है, कोई एक्स्ट्रा मेक्स्ट्रा फजूल काम नहीं हुआ, क्लीन बिल्ड माशाल्लाह। यार मैं ये सोच रहा हूँ, एक तो इसका बॉडी किट खूबसूरत है, उसके अलावा इसने ये कहाँ से ढूंढा होगा ये जो इसका कवर है। लेट मी फाइंड द ओनर। ऑटो शो के साथ साथ एक वह शीशा और मैं भी ट्राई कर लेते हैं यार। इस तरह रिव्स हो जाते हैं, फिर दरमियान में मैनेजमेंट आ जाती है, मैनेजमेंट वाला भी। खैर पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आफ्टर ऑटो शो। और अब उसको चुप किया जाएगा, दोबारा रिम्स करने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। वो सारे और यार दे पैर दे गाड़ी को यार। एग्जिट करने लगे हैं, थोड़े बहुत से रिब्स मेरे गाड़ी में भी है लेकिन इतने रिब्स उधर है कि मेरी गाड़ी की आवाज आ भी नहीं रहा। मुझे घर जाना है। और सुना सलीमो, तू कुथा कुथा गई दरबंदा।